नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम जामा मस्जिद की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाल ही में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। जामा मस्जिद काफ़ी पुरानी है, हम इसकी पूरी हिस्ट्री भी देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, इसको कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, वो सब देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेस है, इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आती है। इसकी वजह से इसकी जो रीडेवलपमेंट है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई है। तो अभी काफ़ी समय से इसमें काफ़ी डिस्टोर्शन जो है वो देखने को मिली है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी टूट सा गया है। तो अभी यहाँ पे रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, इसलिए ये जामा मस्जिद काफ़ी खबरों में है। क्योंकि ये खबरों में है तो करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मिडाइवल हिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मिडाइवल हिस्ट्री में मुगल टाइम में बनाया गया था। यह मुगल टाइम का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना एक बेहतरीन नमूना है। तो हम इस वीडियो में जामा मस्जिद से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, क्यों ये खबरों में है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जामा मस्जिद भारत की लार्जेस्ट और जो ग्रैंडेस्ट मॉस्क हैं, मस्जिदें हैं, उनमें से एक है जामा मस्जिद। इसको मुगल एम्प्रेस शाहजहां ने बनाया था 1656 में। इसका प्राइमरी पर्पस है प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पे पूजा की जाती है, जो भी मुस्लिम की पूजा होती है वो की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार को। अब क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आती है। आप सब जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एंशियंट या मिडाइवल एरा के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सारों को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे बहुत से किले हैं, फोर्ट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, और उसके अंदर आते हैं इसलिए उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है। उनकी जो भी रिकन्स्ट्रक्शन है, रीडेवलपमेंट है, उसके काम टाइम टू टाइम किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो जामा मस्जिद है, ये सिर्फ एक मस्जिद या सिर्फ एक आर्किटेक्चर नहीं है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। इसका प्राइमरी पर्पस जो है वो पूजा पाठ करना है, नमाज अदा करना है, ईद वगैरह के दिन यहाँ पे जो भी फंक्शन है, रमज़ान वगैरह, वो सारे मनाने हैं, इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता है। जिसकी वजह से पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो है उसको फेस किया है। और इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो यह बहुत ही पुरानी है, और दूसरा इसको ASI के अंडर प्रोटेक्शन नहीं है। ऑब्वियसली इसलिए नहीं है क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, प्लेस ऑफ वर्शिप है। अब देखो क्या क्या डैमेजेस इसको देखने को मिले हैं। इसका जो फीनियल है, जो सेंट्रल डोम का फीनियल है, वो मई 2020 में डैमेज हो गया था ड्यू टू हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म। अब सवाल है कि ये फीनियल क्या होता है। देखिए, ये एक मस्जिद है, ये जामा मस्जिद नहीं है, ये एक नॉर्मली मैंने इंटरनेट से फ़ोटो ली है। फीनियल होता है ये ऊपर का, ये जो शार्प एज होता है इसको बोलते हैं फीनियल। तो जामा मस्जिद का जो फीनियल है ये मई 2020 में डैमेज हो गया था हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म की वजह से। इसके साथ साथ यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का एक स्लैब था इसकी मिनारत में, ये जून 2021 में कलैप्स हो गया था। अब देखो, ऊपर से जब ये मिनारत जो है ये कलैप्स होगा, तो नीचे जो कोर्टयार्ड है जहाँ पे चलने फिरने का रास्ता है वहाँ पे गिरेगा, तो उसकी वजह से जो कोर्टयार्ड है वो भी काफ़ी डैमेज हो गया था। तो ये डैमेजेस जो हैं, ये जो मेन जो कम्प्लेक्स है, जो मेन जो मस्जिद है अंदर, उसमें देखने को मिली। इसके साथ साथ यहाँ पे आसपास का जो एरिया है, यहाँ काफ़ी नैरो अप्रोच रोड्स हैं, यानी मस्जिद तक पहुँचने के लिए जो रोड हैं वो भी काफ़ी नैरो हैं, काफ़ी तंज गलियां हैं। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स और काफ़ी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जो मॉस्क का, मस्जिद का मेन एंट्रेंस है उसके बिल्कुल अपोजिट। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी प्रॉब्लम जो हैं वो स्ट्रक्चर को पोज करती हैं, क्रिएट करती हैं। सबसे पहले इसका रीडेवलपमेंट प्लान जो था उसको प्रपोज किया गया था 2004 में, जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी, ये मुख्यमंत्री रही हैं। इसकी रीडेवलपमेंट के लिए SRDC शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड जो था उसे बनाया गया था। इन्होंने अपने रीडेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम करने की शुरुआत करी अगस्त 2019 में। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR भी बनाई गई, और इस DPR को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक था मॉस्क का प्रीसिंट, प्रीसिंट का मतलब होता है कुछ जगह निर्धारित करना, तो एक जगह जो मस्जिद की निर्धारित है। तो इस DPR के दो पार्ट थे, एक पार्ट था जिसमें रीडेवलपमेंट होनी थी उस एरिया की जो मस्जिद के लिए निर्धारित है, और दूसरा जो मेन मॉन्यूमेंट है उसके लिए निर्धारित है। तो एक जो मेन मस्जिद, मतलब जहाँ पे मेन जो ईश्वर का या भगवान अल्लाह का जो स्थान है वो है, और दूसरा जो है वो उस मॉन्यूमेंट का प्रीसेंट है, जो उसके अलावा बाकी जो उस मस्जिद का एरिया बच गया। तो इस DPR ने, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ने, पूरा रीडेवलपमेंट का जो प्लान था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो मेन मस्जिद का निर्धारित एरिया, और एक उसका जो मेन मॉन्यूमेंट है उसके अलावा, मेन मस्जिद के अलावा जो बाकी मॉन्यूमेंट बचा उसका निर्धारित एरिया। तो ये जो पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट था, ये 12.7 हेक्टेयर
का जो एरिया है उसमें पूरा का पूरा होना था। अब होना था को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक नया जो DPR है उसको बनाने के लिए PWD डिपार्टमेंट ने फ्रेश बिड्स जो हैं वो दे दी हैं कि एक दोबारा से एक बार पुनः फिर से DPR जो है वो बनाया जाए उस सारे के सारे एरिया के लिए जो उस मस्जिद को सराउंड करता है। लेकिन अभी काफ़ी समय लगेगा इस DPR को बनने में और उसके बाद इस DPR के बेसिस पे एक्चुअल जो काम है वो शुरू होने में। तो क्योंकि अभी सराउंडिंग मॉस्क का जो एरिया है उसके लिए भी DPR प्रिपेयर करने के लिए बिड दिया गया हुआ है, इसलिए जामा मस्जिद जो है वो आजकल काफ़ी खबरों में है, तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट GK फैक्ट्स की जो आपको पता होना चाहिए जामा मस्जिद से रिलेटेड। जामा मस्जिद एक स्पेक्टेकुलर मॉस्क है जिसको एम्परर शाहजहां ने बनाया था, जो मुगल ईरा का एम्परर था, मुगल डायनेस्टी का एम्परर था 1656 में दिल्ली में। ये इतनी बड़ी है कि इसमें एक टाइम में 25,000 लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, इतने लोगों को ये होल्ड कर सकती है। ये इतनी मैसिव है, इतनी जायंट है, इतनी बड़ी है। इसको बनाने में लगभग 12 साल लगे थे, सोचिए 12 साल। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी शुरुआत हुई थी 1644 में और कंप्लीट ये हुई 1656 में। इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें 5,000 वर्कर्स लगे थे और इस सारे के सारे काम को सुपरवाइज इसकी देखभाल किसने करी थी, सादुल्लाह खान ने करी थी, जो कि शाहजहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। तो शाहजहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था, सादुल्लाह खान, जिसने इस पूरे के पूरे काम को सुपरवाइज किया था, देखभाल करी थी, निगरानी रखी थी। और ये पूरी मस्जिद जो है इसमें 5,000 वर्कर लगे थे बनाने में और 12 साल लगे थे। इसकी कंस्ट्रक्शन 1644 में शुरू हुई थी, कंप्लीट 1656 में हुआ था। उस टाइम 1656 के समय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो था इस मस्जिद का वो 1,000,000 था रुपीज़, 1,000,000 रुपीज़। तो 1,000,000 में 10 लाख रुपए होते हैं, तो सोचिए 1656 में 1,000,000 का खर्चा आया था इसकी कंस्ट्रक्शन में। जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है वो रेड सैंडस्टोन है और मार्बल है। आर्किटेक्ट की अगर बात करें तो इसका जो आर्किटेक्ट है वो उस्ताद खलील था। तो जिसने इस आर्किटेक्ट को बनाया था उसका नाम उस्ताद खलील था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस मस्जिद को स्टार्टिंग में मस्जिद ए जहन्नुमा ऐसा बोला जाता था, ये इसका नाम था, मस्जिद ए जहन्नुमा, जिसका मतलब हुआ मॉस्क दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड। मस्जिद, मस्जिद से मॉस्क, जहाँ, जहाँ का मतलब हुआ वर्ल्ड, तो मस्जिद ए जहन्नुमा यानी द मॉस्क दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड, ये इसका मतलब था और ये इसका पुराना नाम था। जो इनिशियली जब इसको बनाया गया था तो इसका नाम रखा गया था मस्जिद ए जहन्नुमा, बाद में इसको जामा मस्जिद या फ्राइडे मॉस्क जो है वो बोला गया। फ्राइडे मॉस्क क्यों, आप सब जानते हैं शुक्रवार को हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसको जामा मस्जिद या फ्राइडे मॉस्क जो है वो बोला गया। इसको इनॉग्रेट किया गया था 23 जुलाई 1656 में और इनॉग्रेट किया गया था अब्दुल गफूर शाह बुखारी के द्वारा, जो कि इमाम थे जिनको शाहजहाँ ने बुलाया था। और ये इमाम कहाँ के थे, बुखारा के थे, जो आज के समय का उज़्बेकिस्तान है। तो इस मस्जिद को इनॉग्रेट करने के लिए शाहजहाँ ने बुखारा में इमाम अब्दुल गफूर शाह बुखारी को बुलाया था। 23 जुलाई 1656 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। बाद में शाहजहाँ ने इसी अब्दुल गफूर शाह बुखारी को पहला शाही इमाम जो है वो अपॉइंट किया था जामा मस्जिद का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहला जामा मस्जिद का इमाम जो था वो कौन था, अब्दुल गफूर शाह बुखारी था, जो उज़्बेकिस्तान का था, ठीक है। और 23 जुलाई 1656 में इसी के हाथों इस मस्जिद को इनॉग्रेट करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। जामा मस्जिद जो है जब तक मुग़ल ईरा रहा, मुग़ल समय का जब तक अंत नहीं हुआ, तब तक ये रॉयल मॉस्क कही जाती थी, एम्प्रेस की, राजे महाराजाओं की एक आलीशान रॉयल मस्जिद जो थी वो ये कही जाती थी। ब्रिटिशर्स ने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति थी उसमें इसको सीज कर लिया था, इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था और ब्रिटिशर्स जो थे वो इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ने, जनता ने स्ट्रांगली इसको अपोज किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना डिसीजन जो है वो रिकन्सिडर किया और इस प्रकार से जामा मस्जिद जो है वो डैमेज होने से बच गई, वो डैमेज नहीं हुई। करंटली अगर हम बात करें तो ये जो मस्जिद है ये दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है उसके कंट्रोल में आती है। जामा मस्जिद के आर्किटेक्ट की बात करें तो ये इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना आर्किटेक्ट है और इसका जो फेस है ये वेस्ट की तरफ है, टुवर्ड्स होली सिटी ऑफ मक्का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग मैक्सिमम जो मस्जिद होती हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो उसी तरफ होती है। अगर मैं गलत हूँ तो जो मेरे जितने भी अगर मुस्लिम भाई बहन देख रहे होंगे तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में करेक्ट करिएगा। तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट में बनी है जामा मस्जिद और इसका जो
फेस है वो वेस्ट की तरफ है टूवर्ड्स होली सिटी ऑफ मक्का। हाइट जो है इस मस्जिद की वो 261 फीट है, विड्थ इसकी 90 फीट है। जामा मस्जिद जो है इसमें दो टेररिस्ट अटैक भी हो चुके हैं 2006 और 2010 में। 2006 में यहाँ पे बॉम एक्सप्लोजन हुआ था, 2010 में यहाँ पे फायरिंग हुई थी। तो ये थे दोस्तों जामा मस्जिद से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और क्यों ये खबरों में है वो हमने देख लिया, हिस्ट्री देख ली, सिग्निफिकेंस देख ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर के ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।